संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने हर साल के दिन शुक्रवार को सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी की मां को श्रद्धांजलि अर्पित की और ईश्वर से श्री चरणों में माताजी को निवास देने की ईश्वर से प्रार्थना की। इसके बाद हड़ताल पर बैठे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने शासन प्रशासन के द्वारा नियमितीकरण और अन्य लाभ के लिए दिए गए आश्वासन की होली जलाई। साथ ही सभी ने संकल्प लिया है कि आश्वासन नहीं चाहिए, आदेश चाहिए। बता दें कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी विगत 15 दिसंबर से लगातार अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। आज जेएस पार्टी संगठन का जो हमें समर्थन आया है, आगे ऐसा समर्थन और आने की उम्मीद है हमें, और हमारी जो हड़ताल चल रही है वो बहुत ही मजबूत कड़ी में आने वाली है। अच्छा, कांग्रेस ने आपको समर्थन दिया, बीएसपी ने आपको समर्थन दिया, आज जेएस ने समर्थन दिया, कोई भाजपा पदाधिकारी या किसी ने आपको समर्थन दिया है क्या? भाजपा पदाधिकारी का भी समर्थन हमें नहीं दिया है। आगे आपके आंदोलन की क्या रूपरेखा रहेगी? अभी हमारी आंदोलन की रूपरेखा जब तक नियमितीकरण नहीं आया जब तक हम हड़ताल छाटने वाले नहीं हैं। 16 दिन से संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल चल रही है, तो आज जयस युवा शक्ति ने इनको समर्थन दिया है और इनका कहना है कि 35,000 कर्मचारी संविदा पर चल रहे हैं, तो ये आपका समर्थन पूरे मध्य प्रदेश में लागू रहेगा या गुना जिले के लिए रहे? नहीं, ये पूरे प्रदेश पर लागू रहेगा और प्रदेश पूरे प्रदेश की ये आदिवासी युवा शक्ति जयस संगठन पूरे प्रदेश पर इनकी मांगों को लेकर आंदोलन करेगा और इनके समर्थन में रहेगा।